गुड इवनिंग। आज हम लोग समझते हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म चैप्टर। मैग्नेटिज्म शुरुआत करते हैं मैग्नेट से। मैग्नेट क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। मैग्नेट में दो पोल होते हैं। मैग्नेट किससे बनता है? मैग्नेट जो होता है एक मैग्नेटाइट होता है जो आयरन का पोल होता है। मैग्नेटाइट ये आयरन का ओर होता है। आयरन के ओर से ये मैग्नेट मिलता है। मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। दूसरी चीज, मैग्नेट अपने पूरे लेंथ का 85% ही वर्क करता है। मतलब अगर आपके पास 100 सेंटीमीटर का मैग्नेट है तो उसका 84 सेंटीमीटर ही एक्टिव रहेगा। बाकी ये कॉर्नर वाला हटा दीजिए, पोल के इस साइड और उस साइड दोनों साइड से हटा दीजिए, क्योंकि ये पोल्स पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। ठीक, नॉर्थ पोल एज ए पॉजिटिव की तरह रिएक्ट करता है और साउथ पोल एज ए नेगेटिव की तरह। जैसे ओरेस्टेड ने कहा था इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, वैसे ही मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। ये फ्लेमिंग ने प्रूव किया था। जब भी हम मैग्नेट के बीच में किसी कॉइल को लगातार घुमाते रहते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो जाती है। ये फैराडे ने कह दिया था। तो नॉर्थ पोल एज ए पॉजिटिव टर्मिनल एंड साउथ पोल एज ए नेगेटिव टर्मिनल वर्क करता है। इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाती हैं? नॉर्थ से साउथ में। ये क्या शो करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो करती हैं एरिया जहाँ तक उस चुंबक की मैग्नेटिज्म, उस मैग्नेट के मैग्नेटिज्म वर्क करता है। पोल्स पे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिज्म होता है क्योंकि यहाँ पे डेंस होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखिए, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहेंगे और जब इसका ग्रुप ला देंगे, छोटा छोटा ग्रुप बढ़ा देंगे, तो इस पूरे ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, क्लियर? तो पहली चीज, मैग्नेट जो होता है मैग्नेटाइट आयरन ओर से मिलता है। दूसरी चीज, ये अपने लेंथ का 84% ही वर्क करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। ये लाइंस शो करती हैं कितना एरिया वो कवर कर रहा है अपने मैग्नेटिज्म के लिए। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। जब इनके ग्रुप को ले लेते हैं तो इनके ग्रुप को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ग्रुप मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक, ये थोड़ी प्रॉपर्टी हो गई। अगर किसी हम मैग्नेट को, एक और प्रॉपर्टी देखिए, किसी मैग्नेट को ऐसे कट कर देंगे तो फिर ये जो मैग्नेट बनेगा ये भी एक प्योर मैग्नेट हो जाएगा। ये वाला दूसरा टुकड़ा क्या था? साउथ पोल था। इधर क्या जनरेट हो जाएगा? अपने आप जितना भी कट करते जाओगे ना उतने मैग्नेट प्रोड्यूस होते जाएंगे। किसी चीज़ को इतना काटो मैग्नेट को, इतना बेहया होता है कि ये बार बार मैग्नेट बनता जाता है। ठीक है, ये हो गया कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं, बहुत सारे तरह के मैग्नेट भी होते हैं। ठीक है, जैसे आपका होता है फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, स्टेबल, अनस्टेबल, बहुत सारे फाइव टाइप के मैग्नेटिक सबस्टांस होते हैं। उससे पहले मैग्नेटिज्म को समझ लेते हैं। मैग्नेटिज्म, अगर हम किसी मैग्नेट को हीट करते हैं, ठीक है, या उसको पीट पीट के चादर बनाते हैं उसकी, ठीक है, पीट पीट के उसको पतला कर देते हैं, अगर हम पीट देते हैं उसको या हीट देते हैं, पीट हीट दोनों समझ लीजिए, पीट देते हैं या हीट देते हैं, दोनों कंडीशन में उसका मैग्नेटिज्म रिड्यूस हो जाता है। किसी भी मैग्नेट को आप पीट दीजिए या हीट दीजिए, उसका मैग्नेटिज्म कम हो जाता है। अब समझते हैं तीनों टाइप के मैग्नेटिक सबस्टेंस, उसके बाद
स्टेबल और नॉन अनस्टेबल को कल बताएंगे। तीन तरह के सबस्टेंस को समझ लेते हैं। डाया मैग्नेटिक कितने परसेंट वर्क करता है? 84%। कोई भी चुंबक अपनी लेंथ का डाया मैग्नेटिक सबस्टेंस। डायमैग्नेटिक सबस्टेंस ऐसे सबस्टेंस जो चुंबक को देखते ही उससे दूर हो जाते हैं। इनका मैग्नेटिज्म 1 से छोटा होता है। मतलब मैग्नेट के सामने हम जिस सबस्टेंस को लाते हैं और मैग्नेट जो होता है दूर भागने लगता है, उससे दूर भागने लगेगा, तो ऐसे सबस्टेंस को बोलेंगे डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। ठीक है, दूसरी बात पैरामैग्नेटिक ये बहुत थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है, बहुत थोड़ा सा खींचता है, ज़्यादा नहीं हल्का सा खींचता है अपनी तरफ, तो इसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। इसका मैग्नेटिज्म जो होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक, अब आते हैं, बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक। देखिए फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस ऐसे सबस्टेंस जो तुरंत मैग्नेट आते ही उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे सबस्टेंस को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। ठीक है, जैसे आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, इसके एग्जांपल्स हैं। आयरन भी है, निकल भी है, आयरन मतलब Fe और कोबाल्ट। ठीक है, क्लियर। तो डायमैग्नेटिक जो सबस्टेंस मैग्नेट लाते ही क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक जो लाते ही मैग्नेटिज्म उनका 1 के इक्वल हो जाता है, थोड़ा सा खींच लेते हैं, उनको हम कहते हैं क्या, पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक जो बहुत तेज़ी से खींचते हैं, जिनका मैग्नेटिक पावर 1 से ज़्यादा होता है, उनको कहते हैं हम फेरोमैग्नेटिक। कुछ एग्जांपल्स हैं फेरोमैग्नेटिक के, तो बता ही दिए। पैरामैग्नेटिक के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक के Fe, निकिल और कोबाल्ट, और इसका बहुत सारा है, सोना, चांदी, ये सब AuAg, और आपका हो जाएगा H2, और क्या होगा, हाँ साल्ट भी होगा, और क्या होगा O2। ये हैं सब पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ गए कि तीनों टाइप के जो होते हैं चुंबकीय पदार्थ कह सकते हैं, मैग्नेटिक सबस्टेंस, ये तीनों हो गए। अब आते हैं क्यूरी टेम्परेचर। बड़े प्यार से समझना क्यूरी टेम्परेचर, सुनो मेरी बात ध्यान से। क्यूरी टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिस पर आने के जस्ट बाद, ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे आने के तुरंत बाद सबस्टेंस उसका टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ा दें तो वो तुरंत फेरोमैग्नेटिक से वो चेंज हो जाता है किसमें, पैरामैग्नेटिक में। ऐसा टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, इस पे थोड़ा सा हम टेम्परेचर बढ़ाएं और कोई फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस अगर है वो किसमें चेंज हो जाए, पैरामैग्नेटिक। किसमें चेंज हो जाए, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस में। ऐसे टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। बात समझ में आई? ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस थोड़ा सा उस टेम्परेचर से थोड़ा सा बढ़ाने पे 10 डिग्री है, 10.1 कर दिए तो 10 डिग्री को ही बोलेंगे हम क्यूरी टेम्परेचर। उससे थोड़ा सा बढ़ाने पे, लिमिट पॉइंट थोड़ा सा बढ़ाने पे फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस किस में चेंज हो जाता है,
पैरामैग्नेटिक में ऐसे टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। लोहे का क्यूरी टेम्परेचर होता है 973 डिग्री सेंटीग्रेड, याद कर डालिए, ये होता है आयरन का। मतलब इतने टेम्परेचर से थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लोहा जो है पैरामैग्नेटिक में चला जाएगा, तुरंत नहीं खींचेगा, थोड़ा थोड़ा देर में खींचेगा, उसका एम मैग्नेटिज्म 1 के इक्वल हो जाएगा। निकिल का 673 याद करने का तरीका बड़ा आसान, सीक्वेंस से लग रहा है। कोबाल्ट का 373, आयरन 973, निकिल 673 और कोबाल्ट 373। मतलब इससे ज़्यादा थोड़ा सा करेंगे टेम्परेचर, ये फेरोमैग्नेटिक था, पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाएगा। थैंक यू, इतना पढ़ के कल बैठिए।